तो गाइस दिस इज तुषार झा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूँ। गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं, एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया गया नीट एग्ज़ाम जो कि इसी साल 12 सितंबर 2021 को कंडक्ट होने के लिए जा रहा है। तो गाइस जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि आज 3rd of September 2021 हो गया है। तो आप सभी के पास अभी टाइम तो मतलब बहुत ही कम बचा है, ना के बराबर ही बचा है। तो गाइज़ इसी टाइम पे मतलब होता है कुछ कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं हम लोगों से, जिसके कारण हमें एग्ज़ाम सेंटर्स पे मतलब बहुत ही मतलब धक्के खाने पड़ते हैं। तो गाइज़ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि मतलब एग्ज़ाम सेंटर्स पे जिसके लिए आपको परेशानी ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मतलब एग्ज़ाम देने से पहले आपको 10 तारीख को ही मतलब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि 10 तारीख को ही आपको मतलब एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं अपने किसी वीडियो के द्वारा मतलब पब्लिश करके उसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो गाइस पहले तो मैं आपको बता दूँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप मेरी आने वाली सभी नोटिफिकेशंस वीडियो की पा सकें। तो गाइस अभी हम बताने के लिए मैं जा रहा हूँ कि मतलब जो 12 तारीख को नीट का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, तो उसमें मतलब आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा जो कि आपको चाहिए होंगे। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मतलब अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो और एक आपको अपना आधार कार्ड एज अ डॉक्यूमेंट और एज अ ड्राइविंग लाइसेंस वट एवर यू आर अपलोडिंग एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म, तो आप वो अपना डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं। तो मतलब जैसे कि मैंने भी फॉर्म भर रखा है तो मैंने तो अपना आधार कार्ड ही भरा था, तो मतलब आधार कार्ड ही अपलोड किया था। आधार कार्ड अपलोड नहीं मतलब एज अ डॉक्यूमेंट 10 मार्कशीट्स हम अपलोड करते हैं। मतलब आप मतलब जो भी मतलब अगर आपके पास वो है डॉक्यूमेंट, मैं आधार कार्ड ही लेके जाऊँगा। जैसे कि आप अपने कोई भी फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाएँ तो आधार कार्ड मेरे लिए बेस्ट रहेगा, तो मैं आधार कार्ड का ही यूज़ करूँगा। तो आधार कार्ड मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी भी आधार कार्ड लेके जाएं, ये बेस्ट रहता है आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड। और एक आपको चाहिए होगा आपका एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी। तो गाइस हो सकता है तो कलर करवा लें क्योंकि वहाँ पे वो कहते हैं फ़ोटोज़ मतलब क्लियर नहीं आई हैं, तो मतलब आप हो सकते हैं तो दो चार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके अपनी कलर फोटोकॉपी उसकी करवा लें एडमिट कार्ड की। तो गाइस जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एनटीए के द्वारा मतलब नीट के एग्ज़ाम सिटी सेंटर बता दिए गए थे कि कहाँ कहाँ पे पढ़ें ताकि मतलब बच्चों को जाने में उतनी परेशानी ना हो। पहले से बच्चे ढूंढ के रखे कि उनके एग्ज़ाम सिटी सेंटर उनके एरिए से कितना दूर पड़ता है और किस में उनके आने के चांसेस हो सकते हैं। तो जैसे कि मतलब मैंने जो फॉर्म भरा है तो मेरा तो मतलब न्यू दिल्ली में ही आया, तो क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस न्यू दिल्ली भरी थी तो इसलिए मेरा न्यू दिल्ली में आया है। तो गाइस जिस हिसाब से आपने भी भरा होगा तो उस हिसाब से आपका भी मतलब आया होगा किस सिटी सेंटर में आपका सेंटर पढ़ने जा रहा है। तो गाइस आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना आपका किस सिटी सेंटर में मतलब पढ़ा है आपका मतलब सेंटर, तो मतलब जिससे अगर मैं हो सकता है तो मैं आपको कुछ हेल्प कर दूंगा कि मतलब कहाँ पे मतलब आपका पड़ेगा सेंटर, तो मैं आपको हो सकता है कुछ गाइड कर दूं कि मतलब कहाँ पे पड़ेगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा मतलब जिससे आप मिस गाइड ना होएं गाइस। तो जैसे ही मतलब अभी एग्ज़ाम का मतलब वो आएगा कि एडमिट कार्ड, तो मैं आपको उसको अपनी लेटेस्ट वीडियो के द्वारा उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा कि मतलब कहाँ से आपको मतलब वो मिलेगा एडमिट कार्ड, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सीधे के सीधे। गाइस नीट का एग्ज़ाम है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे मतलब जब आप एग्ज़ाम को देने के लिए जाएंगे तो उस टाइम के आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड हो गया, और आपको अपना एक फ़ोटो चाहिए होगा मतलब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो तो आप जानते हैं कौन सा होता है, वो पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो जो होता है 4x6 साइज़ में होता है जो कि आपको किसी भी स्टूडियो से निकलवा सकते हैं। तो गाइस ये फ़ोटो ज़रूर निकलवा लेना क्योंकि जो आपको फ़ोटो अगर आप भरोगे मतलब जो आपने अपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते वक्त में जो अपनी फ़ोटोज़ भरी थी, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपको वही फ़ोटोज़ चाहिए होंगी, तो अपनी फ़ोटो वही निकलवाएं जो आपने अपनी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते वक्त भरा था। तो गाइस जैसे कि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप कोई दूसरी फ़ोटो अगर लेने के लिए जाएंगे तो आपको मतलब एग्ज़ाम सेंटर पे दिक्कत पड़ सकती है, तो आप हमेशा वही फ़ोटो इस्तेमाल करना जो आपने मतलब एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते वक्त में फ़ोटोज़ को अपलोड किया था, वही फ़ोटोज़ आप देना। और अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी नहीं रखना, मतलब ओरिजिनल फ़ोटो मतलब ओरिजिनल आधार कार्ड रखना है, और एक कोई मतलब आपको अपना एडमिट कार्ड भी रखना है।
एडमिट कार्ड मतलब चाहिए ही होगा, और आधार कार्ड हो गया, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो हो गई, और अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गई। तो ये चार चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम वाले दिन ज़रूर की ज़रूर मैंडेटरी हैं कि आपको चाहिए ही होंगी। और आपने अगर अपना अभी तक एग्ज़ाम सेंटर नहीं देखा है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ा है, तो कृपया करके एग्ज़ाम सेंटर तो अभी मतलब पड़ा आप देख नहीं सकते क्योंकि 10 तारीख को एडमिट कार्ड आएगा। तो एग्ज़ाम सिटी का जल्दी से जाके देख लीजिए कहाँ पर आपका एग्ज़ाम सिटी सेंटर पड़ा है, एग्ज़ाम सिटी पड़ा है, तो आप मतलब पहले से इंश्योर रहेंगे कि आपको कहाँ पे जाना है। तो उस हिसाब से आपने ट्रैवल का मतलब पूरा मतलब खर्चा मतलब लेके चलेंगे, खर्चा नहीं सॉरी मतलब अपना एक हिसाब लेके चलेंगे कि मतलब आपको कैसे कैसे कहाँ जाना है। तो आप उस हिसाब से मतलब अपना पहले से तैयारी करके चलें कि आपको कैसे जाना है, ताकि आप पेपर के लिए वेल प्रिपेयर रह सके पहले से। ये नहीं कि भागा दौड़ी में आप जाएँ फिर वहाँ पर जाके आपको मतलब बहुत परेशानी हो। तो इसलिए पहले से जाके वहाँ पे अगर आपको पता हो कहाँ पे आपका सेंटर पड़ रहा है, तो आप मतलब वहाँ पे पहले से देख पाएंगे कैसे क्या मतलब वहाँ पे मतलब कैसे क्या है वहाँ पे मतलब अच्छे वो चीज़ें हैं कि मतलब जो आपको सुविधा पहुँचा सकते हैं। मतलब आपके एग्ज़ाम्स बहुत करीब आने वाले हैं, तो अपनी भी तैयारी पूरी रखें और आई होप आप अपना बेस्ट देंगे और MBBS में जरूर सेलेक्ट होंगे। गाइज थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, और बने रहिए मेरे इस चैनल क्रिएटर्स हैं हम पे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और आप मेरे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप मेरे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन पा सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।